ईश्वर चंद विद्यासागर कौन है, आखिर क्या बात है जो विवाद हो रहा है, तो चलिए हम बताते हैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। 26 सितंबर 1820 में उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और कोलकाता में एक उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्हें दलित और गरीबों का संरक्षण माना जाता है। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने विधवा विवाह के लिए आवाज़ उठाई। तो समाज सुधारक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उसी को लेकर अब ये बात फैली है जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो के दौरान, इन्हीं से संबंधित है। इन्हीं का पुतला तोड़ा गया जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई। जुलूस मध्य कोलकाता के शहीद मीनार से शुरू होकर धर्मतल्ला क्रॉसिंग, लेलिन सारणी, सुबोध मलिक चौराहे तक जा रहा था। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इसी दौरान TMC के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। इस तरह की बात की जा रही है। एक तरफ अमित शाह जान जाने की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने विद्यासागर की प्रतिमा को बंगाल के सम्मान से जोड़ते हुए BJP पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के सम्मानित व्यक्ति की मूर्ति तोड़ी गई है। तो ये पूरा विवाद जो उत्पन्न हुआ है ये मूर्ति को लेकर हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई है, उसी को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसमें अब सभी पार्टियां कूद चुकी हैं और वहीं लेफ्ट भी इस सियासी हिस्से का सामना कर रही है। तृणमूल की वजह ये सभी चाह रहे हैं कि सियासी फायदा उन्हें मिले। लेफ्ट पार्टी की तरफ से इस घटना के विरोध में आज रैली निकाली जा रही है। लेफ्ट के बड़े नेता TMC और BJP दोनों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।